अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और खस्ता आलू के समोसे की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से आप घर पर ही बनाकर खा सकते हैं। आज मैंने इस रेसिपी को इफ्तारी में बनाया था। आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आटा गूंद लेंगे। मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है और 5 चम्मच मैंने इसमें ऑयल का ऐड किया है। अच्छे से हम ऑयल को मैदा में मिक्स कर देंगे और मैंने इसी में स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड किया है। सब कुछ हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है ऑयल में। जब तक मैदा टेक्सचर ना ले ले आपको, तब तक इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं मैदा इस तरह से टेक्सचर लेना है, तब तक हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम पानी ऐड करके आटे को गूंद लेंगे। हमें एक ही साथ पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी ऐड करके हमें इसको अच्छे से गूंद लेना है। हमें सख्त आटा गूंदना है, मुलायम आटा नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पर अच्छे से सख्त आटा गूंद लिया है। अब हम इसको ऑयल ग्रीस करके थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम यहाँ पर फिलिंग की तैयारी कर लेंगे। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल ले लिया है 3 चम्मच। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद अब यहाँ पर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। हम इसको अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल में अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अच्छे से फ्राई करने के बाद अब मैं यहाँ पर ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा को भी अच्छे से हम भून लेंगे। साथ ही साथ अब मैं यहाँ पर चॉप किया हुआ ऑनियन ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 बड़ी कटी हुई प्याज ली है। अच्छे से हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। हमें इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा हम इसको भून लेंगे। नेक्स्ट अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून मैजिक मसाला। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। 2 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड आलू और मटर। इन सारी चीज़ों को हम मसाले में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू और मटर को हम सारे मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मेरे आलू थोड़े से ज़्यादा गल गए हैं, हमें इतने गले हुए आलू नहीं चाहिए। आप इतने ज़्यादा आलू मत गलाइए। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार। मैंने आलू और मटर में भी नमक ऐड किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। आप नमक देखकर अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब एंड में मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। उसको अभी हमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर समोसे की पट्टियाँ बना लेंगे। समोसे की पट्टियाँ बनाने के लिए हम यहाँ पर आटे के पेड़े बना लेंगे, छोटे छोटे। हमें इक्वल साइज़ के सारे पेड़े बना लेना है। मैंने अब यहाँ पर सारे पेड़ों को बना लिया है, इसके राउंड शेप दे देंगे और इसको हम बेलेंगे। हमें इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसे मोटा मोटा ही रखना है। हमें इसको अच्छे से बेल लेंगे राउंड शेप में। मैंने यहाँ पर 4 रोटियों को इसी तरह से बेलूंगी। बेलने के बाद हम इसको एक प्लेट में रख लेना है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे।
और फिर से दूसरी रोटी बेल लेना है। राउंड शेप में मैंने यहाँ पर सारी रोटियों को बेल लिया है। मैंने यहाँ पर चार रोटियों को बेलकर एक के ऊपर एक अरेंज कर लिया है थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद। अब हम इसको सेंटर में से कट कर लेंगे। चार रोटियों के यहाँ पर आठ समोसे बनेंगे। मैंने इसके दो पार्ट्स अलग अलग कट कर लिए हैं। अब हम इसकी एक पट्टी ले लेंगे और इसके चारों तरफ हम इस तरह से पानी से पेस्ट कर देंगे। पानी लगा लेना है हमें। पानी लगाने के बाद हम इसको कोन शेप में, इस तरह से हम इसको कोन शेप में दे देंगे या फिर ट्रायंगल शेप में एक के ऊपर एक हम इस तरह से रखकर इसे कोन शेप ले लेना है। अब हम इसकी फिलिंग को बीच में ऐड कर देंगे और इसके ऊपर वाली पट्टी को इस तरह से हम एक दूसरे से चिपका देंगे। यहाँ पर हमारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने सारे समोसों को इसी तरह से बना लिया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारे समोसों को तैयार कर लिया है। मज़ेदार और टेस्टी समोसे आप घर पर ही बनाकर खा सकते हैं। यहाँ पर मेरे सारे समोसे बनकर रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको फ्राई करने के लिए ऑयल को गरम कर लूँगी। ऑयल मेरा गरम हो गया है। अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे से वन बाय वन समोसे ऐड कर दूँगी। हमें समोसों को लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। समोसों का तेल गरम नहीं होना चाहिए वरना वो पूरी की तरह फूल जाएंगे, इसीलिए हमें इसे लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। यहाँ पर मेरे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं। आप लोग भी हमारी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।